نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله तमाम अकाबिर जय्यद उलमाए अहले हदीस शुहदाए अहले हदीस की तकारीर और बयानात का वाहिद चैनल दावत कुरान और हदीस प्रोप्राइटर मोहम्मद असगर यजदानी राबता नंबर 03457111596 हमदो सना दे लाइक अल्लाह दी जाते पाके दुरूद सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात ग्रामी के हजरात ए रमजान का महीना जिड़ा आज पहला रोजा जुमे अंदर आया है इस महीने दियां बरकात और इस महीने की अजमत इज्जत वो आदमी मालूम कर सकता है जिस आदमी नू अपने अल्लाह नाल इंतहाई मुहब्बत है। ये महीना रहमत का महीना बरकत का महीना इन समझो कि अपने महबूब के नाल तल्लुकात का महीना इस महीने की असमत आदमी गौर करे। अल्लाह पाक ने अरबी जबान च क्या अलैकुम सयाम सयाम का माना हुंदा है रुक जाना अपने आप से कंट्रोल करना। इन समझो कि रोजे की रोजेदार दियां तीन किस्म ने जो मुशाबे अंदर दाखिल ने एक तो वह रोजेदार है जो खांदा नहीं पींदा नहीं अजवाजी तालुकात सुबह तो शाम तक मुनकते कर रहे हैं रोजेदार है जरा खांदा भी नहीं पींदा भी नहीं और नाल नाल अपनी जबान अपने हाथ और अपनी अखा से कंट्रोल करता है। एक और रोजेदार है जो खासल खवास लोग ने जड़े खांदे भी नहीं पींदे भी नहीं पेट अंदर गजा का भी कंट्रोल है जबान से भी कंट्रोल है हाथों से कंट्रोल है अख से कंट्रोल है ना दिल से भी कंट्रोल है। जरा आदमी ऐसा रोजेदार है
कि जिनने सारे जिस्म से कंट्रोल कर लिया, रोजेदार का हक है कि अपनी जबान नू बगैर जरूरत तो इस्तेमाल न करे। कई बदनसीब आदमी ऐसे ने कि रमजान के महीने अंदर जुमा पढ़ना और कीमती घड़ियां, कुछ रमजान के महीने की फजीलत, कुछ जुमे के दिन की फजीलत, यह गप्पा अंदर मसीते बह के पुरानिया कहानियां अंदर यह कीमती घड़ियां जाया करते हैं। इन्हों का वक्त आना किसी काम ना आया। और खसूसन कई मेरिया मावं, कई मेरिया भैन और बच्चिया जिन्होंने मैं हदायत करना कि अल्लाह के कुरान का एहतराम करने वास्ते आओ। अगर जुमा पढ़ने वास्ते आने तो जबान से कंट्रोल नहीं करना कि तुहाडे जुमा पढ़ने का कोई फायदा नहीं। इतना शोर, यह महीने की अजमत है, कुछ गौर करो। अल्लाह पाक ने फरमाया, सयाम का तर्जमा ही है कि आदमी अपनी जबान से कंट्रोल करे। इनू भी कुरान ने सौमन किया। एक कुरान च वाकया आता है जड़े मेरे इस मौकफ की दलालत करता है। जो ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाश हुई तो कौम ने सवाल किया कि कैसी बात है कि सवाल करन तो पहलों जो मरियम इंतहाई परेशान हुई तो अल्लाह पाक ने की फरमाया कि वहुजी लई की भी जेदन नखलती तो साके तो आई की रोता बन जनिया फकुली वशराबी व करनी आईना फाइमा तरा जिन्ना मिनल बशारी आदन फकुली इन्नी नजर तो निर्वाहमानी सौमा। कि अगर कोई बंदा सवाल करे कि खामद तो बगैर बच्चे पैदा कैसे, कि तुसा कहना इन्नी नजर तो ले रहमान सौमन, मेरा चुप दा रोजा है। लेकिन इस्लाम ने कहा है कि रोजा रख के जरूरी गल करनी जायज है। जो बगैर जरूरत तो गल करता है वह समझे कि मैनू माफ करे कि अल्लाह पाक ना ताल्लुक ते राबता मुनकते, उन्हें पता नहीं कि एदी कदर की। अल्लाह अकबर, ये रोजे फर्ज कदों होए? जो नबी पाक मक्के मदीने गए दो साल होए, नमाज पढ़नी फर्ज करा दी गई, नमाज तो पहले रोजे फर्ज नहीं होए। अजे जिहाद का ऐलान नहीं किया, अजे और कई मसाइल सामने नहीं आए। दो साल होए ने जिहाद करने तो पहले अल्लाह पाक ने फरमाया मैं पहले इम्तिहान लवा मोमना का और मोहब्बत का तकाजा पेश किया कि दो साल बाद आसमान तो कुरान नाजिल होया। फरमाया या अय्युह अल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ए ईमानदारो तुहाडे ते रमजान के रोजे जड़े आउंदे ने फर्ज करा दिते गए ने। क्या पुलिस ईमानदार नहीं? क्या इंतजामिया ईमानदार नहीं? क्या जिन्ने वज़ारा ते जड़े बड़े बड़े आंदा लोग ने ये ईमानदार नहीं? जड़े दुकाना अगे कुंड कट के खाना खांदे आदि ने, जा अपने दफ्तर अंदर डीसी होए या एसपी होए, अल्लाह होए या अदना होए, वो इस कुरान पाक की सदा से गौर करे। या अय्युह अल्लज़ीना आमनू, हाय अल्लाह पाक ने अय्युह अल मिस्कीन नहीं किया, अय्युह अल फुकरा नहीं किया, फरमाया अय्युह अल उमरा नहीं किया, बल्कि किया है या अय्युह अल्लज़ीना आमनू। मालूम होया जो रोजा जान बुझ के नहीं रखता वह ईमानदार नहीं हो सकता। बात याद रखो, अल्लाह के कुरान के एक एक लफ्ज से गौर करो। फरमाया कुतिबा अलैकुमुस सियाम, कुतिबा का मन है
लिखिया जा चुका है, तुहाडे ते फर्ज करा दिते गए ने रमजान के महीने के रोजे। आ कुरबान जावा मदीने अंदर जाके पैगंबर ने ऐलान किया। गल इंतहाई काबले गौर है, यहूदियां दे मुंह ते तमाचा है, ईसाइयां दे मुंह ते तमाचा है कि मेरा नबी किसे को पढ़िया नहीं, तलीम हासिल नहीं की थी। ते फिर मालूम कैसे होया कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, अल्लाह ने फरमाया तुहाडे ते रोजे फर्ज नहीं, तातों पहले भी रोजे किसे सूरत दे नाल फर्ज तुहाडे वड्डिया दे भी कीते गए ने। मालूम होया कि कुरान कुरान नूं मन्नण वास्ते मैं कुरान दे मुनकर नूं क्या ईसाई नूं कि कुरान की तारीख कह रही है कि कुरान रब की किताब है। कहिंदा किंज, मैं क्या कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, अल्लाह फरमांदे ने जिवें तुहाडियां वड्डियां ते पहलों रोजे फर्द करार दिते गए। ए मालूम होया नबी दी अपनी गल नहीं रब दी गल है। कहिंदा ईसाई ये तेरी बात ते काबले गौर है, जरा समझिए अल्लाह पाक ने की फरमाया रोजा की है। क्यों भाई संडा बिगड़िया होए कि जिमीदार ओदे मुंह ते नक ते नकेल पाउंदा है, नथ पाउंदा है ताकि एदियां मस्तियां खत्म हो जान और ये परेशान करे ते लगाम नाल इस नथ नाल काबू आ जाए। क्या बिगड़े हुए संडे वास्ते मैं पूछना चाहना, एक गोली बंदूक दी काफी नहीं कि बिगड़िया ते मार दो, लेकिन जिमीदार मारदा नहीं फायदा उठाउंदा है उहदा इलाज करके। एक घोड़ा है वह बेमुहारा है, मस्तियां खराब करता है, शहबात नाल भरिया होया है, सियाने जड़े सवार ने उन्हूं चंगा कंडियाला पाउंदे ने, चंगी लगाम पाउंदे ने। क्या बिगड़े हुए घोड़े वास्ते एक बंदूक की गोली नहीं काफी, क्यों भाई कि बंदा उन्हूं मार दे उहदा विकार ही खत्म हो जाए। लेकिन सवार समझदा है कि मारना कमाल नहीं, इहदा इलाज कमाल है। समझिए जड़े बिगड़े हुए इंसान ने शाहबाद दे परे होए, गजबात दे परे होए, खासात दे परे होए, गैरां दे माल खान दा आदि, गरीबों की परवाह न करने वाला, अल्लाह ने रोजे कले ने ए विगड़िया की लगाम है। बोलो ना विगड़िया की, जड़े विगड़े इंसान ने केड़े विगड़े इंसान जिन्होंने कुरान ने वादे किया। अल्लाह पाक ने फरमाया विगड़े हुए निशान इंसाना की निशानदेही। मैं अपने कोलों गल्ला जोड़न का आदि नहीं, मिसाल पेश करना कुरान चो। अल्लाह पाक ने फरमाया कि विगड़े इंसान सुन लो कि हो जाए ने, बदतरीन इंसान दगारत इंसान कैसे ने। अल्लाह पाक ने इलाज भी दसिया, बीमारियां चुन चुन के बयान कीतियां ने। अल्लाह पाक ने फरमाया लाहुम कुलूबुल्ला यफकाऊ नबिया, जड़े बिगड़े इंसान ने उन्होंने दिल मजबूत ने, दिल चंगे पले ने घर दमां वास्ते सोचने वास्ते, लेकिन ला यफकाऊ नबिया वो अल्लाह के दीन ते गौर नहीं करते। वला हुम आयुन उन्हों दियां अखां चंगियां पलियां ने, अखां नाल होर बेगैरती करते ने, लेकिन ला युबसिरू नबिया और कुरान दे अकाम उन्हों दियां अखां नावल पढ़ दियां ने, गंदियां अखबारां पढ़ दियां ने, उन्हों दियां अखां कई चीजां पढ़ दियां ने, लेकिन ला युबसिरू नबिया जिहड़े दीन दे कम ने दीनी किताबां ने उन्हों दियां अखां मुताला नहीं करदियां। वला हुम आज़ान उन्होंने कन मौजूद ने, लेकिन कन्ना दे नाल गाने सुनते ने, कन्ना दे नाल बकवास सुनते ने, कन्ना दे नाल लगविया सुनते ने, लेकिन ला यस्माऊ नबिया कुरान हदीस सुनते नहीं। अल्लाह फरमाते ने उलाए
طریقہ کل انوامی بلوم ازل اے لوگ ڈنگر نے بلکہ ڈنگر نالوں بھی بدتر خنزیر نے تمام اکابر جید علماء اہل حدیث شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی رابطہ نمبر 0345711596 سوچنا بھائی جان ایسے بندے بگڑے ہوئے میں انہوں دعوت دیاں گا کہ اپنے کنا نو پورا مہینہ قرآن چلا دیو میں دعوت دیاں گا کہ رات نو قرآن سنو درسے قرآن سنو اپنے کنا نو سینمیاں تو فارغ کر کے نوجوان لگویا سنن تو فارغ کر کے پورا مہینہ وعدہ کرو کہ اپنے کنا کی غیر شرعی آواز داخل ہون حتی الامکان داخل نہیں ہون دیاں گے ہائے میرے اللہ اس گل کا تہیا کر لو کہ آج جڑیاں اکھا نے کیونکہ بڑے بڑے مریض لوگ جڑے روحانی مریض نے کہ روزہ رکھ بھی لین تے کی کہن گے یار دن قریب قریب آ گیا روزہ ستاؤن دیا ہے کچھ دل دلان دا کم کریے تاکہ روزہ آرام نہ گزر جائے بد نصیب روزے دار سننا کہندہ روزہ پریشان کر رہا ہے لیاؤ تاج کھیڑیے منڈے نو کہندہ کو ڈراما لا روزہ ستاؤن دیا ہے کیوں جی گل غلط ہے کہندے نے گانے لگاؤ انہاں گانیاں نے اکھاں بھی پلید کیتیاں کن بھی پلید کیتے روزے دار ہو کہندہ دل بنانا ہے تاش کھیڈو کہندہ دل لگدا نہیں ہوئے اللہ فرماندے نے تیرا دل لگاؤں دی خاطر نہ قرآن اتاریا ہے کیا ہے قرآن دسو کدی یاد تو کرو ہاں روزے دارو رب دا واسطہ ڈال کے کہنا کوئی بات خلاف واقعہ کردا خلاف واقعہ بات نہیں اج کل ماحول گندا ہو چکا ہے ایلا علاج گندیاں بیماریاں دا علاج میرے ذمے ہے میں قرآن پڑھا اور نبی دا فرمان پڑھا سمجھیے سوچیے قرآن قرآن کیا چیز ہے ذکر اللہ فرماندے نے اے میرا ذکر ہے جی پڑھنا ہوں کی ہے ذکر اللہ تطمئن القلوب کافی ہے قرآن اندر اج کل سے ماشاء اللہ قرآن کے ترجمے اردو اندر موجود تفاسیر موجود تو میں عرض کر رہا تھا جڑے ڈنگر انسان نے میں ڈنگروں تو بدتر کہنا قرآن نہیں آخیا جڑے ڈنگر انسان نے جڑے غافل انسان نے جڑے دین تو دور انسان نے انہاں واسطے مہینہ رب دی رحمت بن کے آ گیا اللہ اکبر کبیرہ اور جڑے پہلوں نیکیاں کرتے ہیں اج انہاں نوں سارے کم کرنے سوکھے انہاں واسطے درجات بلند کرنے واسطے مہینہ آ گیا ہے اور پتا ہائے میرے اللہ فرماندے نے میرے فرشتے جو چند نظر کہو گیا لوگوں نے چند دیکھ لیا ہے لوگ مسیطہ نو جا رہے ہیں ایک اعلان کر کے آؤ کسے وزیر اعظم دا اعلان نہیں کسے وزیر اعلیٰ دا اعلان نہیں رب اعلان کروا رہا فرشتہ اعلان کر رہا ہے اپنے اپنے دامر سنبھال کے گوڈے چھڈ کے اپنے دل دی وسطے کلب دے نال رب دا واسطہ دے میری زبان ناپاک میری زبان گناہگار
कि मैं रब दे कुरान दा हक अदा नहीं कर सकता। मैं एक कम कर बैठा कि मैं दीन पढ़ बैठा, मैनु दीन मजबूर कर रहा है कि लोगों ने मेरा कुरान सुना दे, नबी का फरमान सुना दे, वरना मैं इस काबिल नहीं कि मैं तुहाडे सामने कोई बात अल्लाह कर सका। अल्लाह मेरे और तुहाडे गुनाह माफ करवा दे। आ सुनना बड़ी मोहब्बत की बात है, आसमान तो मलाका ऐलान करते हैं और नूरी फरिश्ता रात का ऐलान करता है, ईद के दिन तक ऐलान करता रहेगा। सुनावा ऐलान, और नबी की गल से यकीन है कि नहीं है ना? ऐलान सुन लो, अल्लाह दे हबीबाने ने ऐलान की हुंदा है, या बानी अल खैरी अकबिल, या बागी अल खैरी अकबिल, या बागी अल शर्री अकसिर, या बागी अल खैरी अकबिल, या बागी अल शर्री अकसिर। फरमांदे की ने ओ नेकियां करन वालिया, या बागी अल खैरी, ए नेकियां करन वालिया, ए सदके करन वालिया, ए नमाजा पढ़न वालिया, ए सच्चियां गल्लां करन वालिया, ए सोहणियां अखां नाल सोहणियां छावां वेखण वालिया, बुरिया कमां तो बचने वाले, और जबान की साफ वाले, या बागी अल खैरी अकबिल। फरमाते ने नेकियां करने वाले नेकियां बढ़ा दे, फरमाया एक नेकी की 700 कर दिया ना, अगे पिछे 70, अजकल 700 नेकी। समझे हो? फरमाया अगर नेकी अंदर खलूस होया युजाफ, फिर मैं 700 तो बढ़ा देंगा, किनिया बढ़ावगा। फरमाते ने इमाम कायनात के अल्लाह ने की फरमाया, वसौमुली, फरमाते कि ने रोजा मेरे वास्ते में, एदी जगह भी मैं देंगा। अल्लाह फरमाते ने एक करामन का ते बीन, पूरा महीना छुट्टी करो, पूरा महीना छुट्टी कराओ। अल्लाह क्यों? फरमाया तुहाडी कलम, तुहाडी कलम रोजे के फजाइल और रोजे दियां नेकियां दा सवाब लग सकती नहीं। तुसी ना लिखो कि मैं ही आलिमुल गैब हां, जिदा इलम मुहीत हर शाते, तुसी छुट्टी करो, नेकियां मैं लिखांगा, नेकियां मैं देंगा। फरमांदे ने मैं केड़ी केड़ी गल सुनावा, पहले मैं ऐलान सुना दिया। ऐलान की है, या बागी अल खैरी अकबिल, वादा करो नेकियां करांगे, ताकि मैं अल्लाह नूं कहां या अल्लाह माफ कर देने। या बागी अल खैरी अकबिल, इमाम कायनात फरमांदे ने ऐलान की है कि या नेकियां करने वालिया नेकियां नूं वधा दे, या बागी अल शर्री अकसिर, ए गुनाह करने वालिया गुनाहां तो रुक जा। नौजवान वादा कर, शान में नहीं जावांगा, वादा कर, एक महीना अल्लाह तेनू सारा साल बचाएगा, वादा कर, इना कन्ना नल गाना नहीं सुनागा, वादा कर कि अल्लाह हुण तक इना अखा नू गैर शरी तरीके नल इस्तेमाल करदा रहा, हुण नहीं करांगा, वादा कर, मैं तेरे वास्ते दुआ करा। हाय कंट्रोल कर अपने आका दे ऐलान ते, गौर कर, पता लगना है ओदन, पता लगना है रोजा सह की है। हदीस याद आ गई, क्योंकि मैं आले हदीस हां, अल्लाह का कुरान सुना रहा तेनू और नाल नाल हदीस मुस्तफा सुना रहा। सुनो भाई सुनो, जिंदगियां सवार जाओ, ना दुनिया दोबारा आनी, ना मसीतां बननियां, ना स्पीकर लगने, ना मिंबर बनने, ना जहान ते आना। चंद दिन दी बहार है, फायदा
खुदा तेरे कुरान दे सदके और तेरे पैगंबर दे फरमान अपने गल ना लावा मोहब्बत भरे फरमान फरमान देने फरमानी ले साइन या ले साइन फरातान रोजेदार वे रोजेदार वास्ते दो खुशियां दे टाइम रोजेदार की दिल की कफीयत अल्लाह ने बयान की थी है पैगंबर की जबान विचों हद मुका छड़ी है दो खुशियां रोजेदार नू दो वक्त विच एक कदों अगे खजूर पई है ध्यान मेरे वल अगे ठंडे मशरूबात पए ने अगे पानी पिया है ते कन के डरे स्पीकर वल ते कदों अल्लाह दा नाम आउंदा है अल्लाह जब तक तेरा नाम नहीं आएगा खजूर मूंच नहीं पावांगा ध्यान आका वल कन आका वल अख खजूर वल थोड़ा इम्तिहान है बोलो तो सही भाई अल्लाह ने यह नहीं आखिया रोजे रखने वाले हो कुंडे मार के अंदर दाजो ते मुंह बंद करके दाजो फरमाया खाओ कमाओ रोजेदार बाजारों में जाए चीजा व्यक्तियां वेखे अपने नफ्स का मुकाबला करें सोचो तो सही अख खजूर वाले जरा मंजर से गौर करो खुदा दा वास्ता शेखुपुरे वालों रजी होया कुरान हदीस सुन सुन के सुन लो ध्यान अख खजूर वाले कन रब वाले कि रब दी आवाज आवे कि खजूर मुझ पावा ते फिर की आंदा है हाथ उठाए हुए ने की कह रहा है अल्लाहुम्मा लका सुमतु वाला रिज़्क़ी का अफ़्तार तू अल्लाह मेरा रोजा तेरी खातिर ये समझ आई और तेरे दिते हुए रिज़्क़ नाल आज ना छड़ना है सुन ला जज्जो अफीसरा वजीरा जो भी आदमी रिश्वत दे मान नाल हलाम कमाई ना रोजा खोल दे ओदा रोजा नहीं जायज कमाई नहीं जायज याद कर ला लोग गरीबों के खून चूस के बगैर तो अपने पैर की निशान दे और कई पता की आते अजकल जिन्ना मर्जी खाओ हिसाब किताब नहीं होना जिन्ना कई ने पहलो 10-10 किलो घ्यो मंगवा लिया कि सवेरे सड़गी परौंठे नुचड़ते हो सारा दिन मैं मरना है हाय परौंठे नुचड़ते हो पांच किलो फल लियाओ आ पेड़ दिया पुजारिया कितने कितने इंतजाम आप करता है इमाम कायनात ने फरमाया गजा खाओगे कहो जी सादी अल्लाह पाक ताड़े दिल दिया शरारत सीधिया कर देगा आइए सोचिए मैं अर्ज कर रहा सा रोजा खोलता ते की आंदा अल्लाह तेरा शुक्र है खुश हों कोई पुछदा की गल बड़ा खुश हो के मसीत आंदे हैं रोजेदार का मूह शाम वेखो बेरोज का मूह भी शाम वेखो लिख लो मेरी गल अज लिख लो कलमा नल मैं मुशाहदा करता रहना बेरोज का मूह शाम की अजान तो बाद वेखो फटकार मूह पता मजदूरी का भी लवान काम नहीं किया रोजेदार का मूह दो कुट पानी गया अजान हुई मसीत नू आ रहा कोई आंदा यार तेरा रंग बड़ा सोहना निकला कहंदा मैनू खुशी हुई है कि शाम तक अल्लाह ने बीमार नहीं किया रोजा पूरा हो गया है फरहतुन इंदा फित रही फरहतुन इंदा फित रही रोजेदार खुश होंदा जो रोजा अफ्तार करता है तमाम अकाबिर जय्यद उलमाए अहले हदीस शुहदाए अहले हदीस की तकारीर और बयानात का वाहिद चैनल दावते कुरानो हदीस प्रोपराइटर मोहम्मद असगर यजदानी राबता नंबर 03457111596 ये खुश कदों होंदा है जदों मजदूरी मिले जदों नतीजा खत होंदा है
नंबर चंगे मिलते हैं उदो खुश होंगे ना तो किसरा खुश हो के आखेगा आ सुनो ध्यान अल्लाह फरमाएगा भुखा कट के आया गल से बन रब नाल मुलाकात होगी अल्लाह राजी होके कहेंगे ओरा मेरे कोल आ मैं तेरे ते राजी हां फरमाया एक ते मैनू राजी होके खुश होके मेरा दीदार कर ला सुभान अल्लाह दूसरा अल्लाह फरमान गए बाबुर रिजान तेरी कोठी दरवाजा आ लगा हुआ वड्डा गेट चमकीला गेट तेरे नंगन वास्ते है फरमान गए और आखा तू रोजे रखता रहा है सरगी लुक लुक के रोटी खाता रहा शाम को अंदर वड़ के रोंदा रहा रात कुरान सुनता रहा दिन दे टाइम भुख करता रहा क्यों अल्लाह तुसी जानते हो तुहाडा हुक्म मन्निया सी फरमाया जाकर तेनों माफ किया उस दिन तक दिल मेरे नू ते चैन ना आवे मैनू उस दिन तक दिल मेरे नू ते चैन ना आवे मैनू जब तक मेरा मौला ना कहे और जा मैं बख्शाई तैनू ते बख्श खुदाया मुहब्बत अपनी हुब नबी सरवर दी पा दे खैर कट नहीं जांदी ते दौलत तेरे घर दी रब नाल मुलाकात हो जाए शेखपुरे वालो दूरों दूरों होने वालो रब दा वास्ता दे मेरे गुनाहों ते ना गौर करो मेरे वास्ते दुआ करो अपने वास्ते भी दुआ करो कि अल्लाह सब नू माफ करे रब नाल मुलाकात हो जाए ते कह दे जा तेन माफ किया फिर क्या खुशी होएगी क्या बोलो नबी दा फरमान सही होया कि ना रोजा खोलन लगिया भी खुशी रब नाल मुलाकात करन लगिया खुशी फरमान देने नबी पाक मैं अपने कोलों गल्ला नहीं जोड़ रहा हजूर फरमान देने जो रमजान दा महीना शुरू हुंदा है फिर बहारा कैसिया ने बहारा कैसिया और एक एक कड़ी कीमती फरमांदे जबरील हां रब्बे जलील हुक्म करो आर्डर करो फरमाया रमजान का महीना आ गया जाके मेरे नबी नाल कुरान का दौर कर सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह इतना प्यारा महीना और जिस महीने अंदर अमालविया असूफिया और हाजिया और नौजवानों मौत बयाना बच्चियों कुरान से गुलाब चाड़ के खुदा के गजब की हकदार लोगों और सुनो इमाम कायनात के कोल आसमान तो जबरील आता है रब्बे जलील कहते ने जाओ जाके मेरे नबी नाल कुरान का दौर करो सुभान अल्लाह कुरान दा दौर रब दी रहमत कई ने कुरान याद किया है चंद लफ्ज पढ़ के मौलवी बन के कुरान सुनाउंदे नहीं आंदे ने हुण की करना सुना के हाय सारी उम्र रमजान के महीने च मेरा पैगंबर कुरान दा दौर जबरील करदा रहा और शायद पता ना होए एक साल एक रमजान जबरील ने दो दफा दौर किया कुरान का दौर ये पूरे महीने मलूंगा दो बारे पढ़ते होंगे दो दफा दौर किया कहते ने फातिमा मैनू मालूम होंदा है कि ऐंदा साल मैं तेरे को नहीं होना अर्ज की अबू क्यों फरमाया जबरील अगे दो एक बार दौर करता
ਐਤਕਾਂ ਦੋਗਣਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਆਸਾ ਮਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੈਂ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਯਾਰੋ ਨੌ ਸਾਲ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਨੌ ਰੋਜ਼ੇ, ਨੌਵਾਂ ਸਾਲਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਨੌ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਇਤਨੇ ਫਰਾਜ਼, ਇਤਨੇ ਫਜ਼ਾਇਲ, ਇਤਨਾ ਮੁਕਾਮ, ਇਤਨਾ ਦਰਜਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਆ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਖਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਬਹਿ ਜਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਨਿਭਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ, ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਆ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫੋਲੀਏ, ਫਿਰ ਗਰੀਬਤਾ, ਫਿਰ ਚੁਗਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਝੂਠ, ਫਿਰ ਬਹਿਤਾਨ। ਹਾਏ ਸੁਣ ਲਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ, ਅੱਲਾਹ ਕਦੇ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌਮ ਨਾ ਆਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨਮੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੂੰਜ ਏ, ਮੇਰੀ ਗੂੰਜ ਗਾਲ ਦੇ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ, ਪਤਾ ਇਮਾਮ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਸੋਹਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਰੋਜ਼ੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਮਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜ ਲੈਣ? ਖੋਰੇ ਕਿਉਂ ਰੋਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ? ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਮਾ ਯੰਤਕੁ ਅਨਿਲ ਹਵਾ ਇਨ ਹੁਵਾ ਇਲਾ ਵਾਹਯੂ ਯੂਹਾ। ਨਬੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਵਹੀ ਨਾਲ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਹੁਣ ਖਾਦਾ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਖਾਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਇਹ ਮੌਜਜ਼ਾ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲੇ ਅੰਦਰ ਉਂਗਲਾਂ ਡਾਲੋ, ਉਂਗਲਾਂ ਡਾਲੀਆਂ ਇਨਸਾਨੀ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ। ਸੁਣ ਲਓ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਪਮੱਲਮ ਯਦਾ ਕੌਲ ਜ਼ੂਰ। ਜੋ ਆਦਮੀ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਗਰੀਬਤਾਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਬੋਤਾਨ ਝੂਠ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਖੂਬ ਖਾਏ ਪੀਏ, ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਵਾਏ ਨੋਟ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ, ਬਖਸ਼ੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੰਮ ਜਾਓ ਨੋਟ ਦੇ ਕੇ ਆਓ, ਮੁਸਾਫਾ ਕਰੋ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਬਾਈ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆਓ ਖਾਲੀ ਨਾ ਆਓ, ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਦਿਓ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਦਿਓ, ਕਈ ਏਡੇ ਗਲੀਲ ਦਫਾਤਰ ਨੇ, ਔਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਗਲੀਲ ਦਫਾਤਰ, ਬਦਬੂਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਕੌਣ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇਗਾ। ਕਹੋ ਆਮੀਨ। ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖਾਦਿਮਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹਲਕੀ ਗਦਾ ਕਰ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਈਦਾ ਤੋ ਈਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਪੱਕੀ ਆ, ਪੱਕਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਖਾਸ ਵਲੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਬਾਤ ਬਈ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛੁੱਟੀ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਓ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ,
कहंदे ने अजकल चुगली गीबत अगे भी हराम है, रमजान के महीने डरना उठे बैठ गल्लां बड़ियां गलत होंदियां ने, ते मैं महीना छुट्टी ला ली। गौर करो, कोई छुट्टियां लैंदा अयाशी वास्ते और कोई छुट्टी लैंदा गुनाह तो बचण वास्ते, क्यों भी बराबर मामला। मैं अर्ज करना चाहना, फरमांदे ने इमाम कायनात अपने कोलो एक कोई गल नहीं रब दा कुरान। कई आखणगे शाम नू मल्लम यदा कौल जूर डट करना, बीवी नू गाला, बच्चियां नू गाला, बच्चियां नू गाला, ताहबत गुस्सा, ये शैतानी हमला होया है। ते कहणगे तुसी गर्म क्यों, और रोजाजू होया, रोजाजू होया हाय, पुछ तू बकवास कब कर ले। वह कहता जी अगर रोजा जो होया रोजा रखिया तां बकवास करना। गल सुनो, गल कई ये रोजे दियां बीमारियां ने, ठीक जान कर रहे ना, इन्हों का इलाज जबान से कटरा ले। कई ऐसे ने उन्होंने किसी निजी से हमला नहीं करता, ना मेरी आदत है, क्यों मैं तत्व को ना कर निजी से हमला नहीं कर रहा। कई ऐसे ने रोजा रखने को जी नहीं करता, कि क्यों रखते ने, और यार की करिए आंढ गवांढ आखे गए घर जड़ा ना, इन्ना मल आ माल बिन्निया, इन्ना मल आ माल बिन्निया। कई तो रखते ने कि लोग कहेंगे यार जिम्मे पिछे बेनदी ने तस्वीर फड़ी सी कि लोग कहेंगे भी अल्लाह अल्लाह कर दिए अल्लाह अल्लाह। मैं अर्ज करना चाहना कई तार रोजा रखते ने कि लोग कहेंगे यार अजीब है मुसलमान कद है, चंगा मुसलमान है और यार सारे सुते ने, तो फिर कहेंगे चल नुकरानी नु कवो रोजा रखना आसान भी नहीं, जे रखिया तो रखना इंजी है, हांडी पका छे अग निक धूं बलदा रे पता लगले कि इतने उठे ने खावे दुपहरे बड़े बड़े कलमा गो ऐसे बेगैरत भी मौजूद ने, मौजूद ने। कभी रोजा रखते ने वोट लैन वास्ते, लोग कहे मजहबी बंदा वोट पाओ, है जी ये सारिया निजत गलत ने। रोजा कहते वास्ते अल्लाहुम्मा लका सुमतो वाला रिज़्क़े का अफ्तार तो, रोजा रखो अल्लाह वास्ते, और ऐसा रोजा हज भी जाहरी अमल है, ठीक है ना, नमाज भी जाहरी अमल है ना, और ज़कात देंदा बाद औकात लोग वेंदे ने जायज़ है सिर्र अलानिया जाहरी अमल है, लेकर रोजा अंदरूनी अमल है बातनी अमल है। इस अमल दे क्या कह रहे, एदा ताल्लुक रब नाल है, और जो आदमी की बात है रब ता रब नाल कायम कर दिया होया। मैं तानू सुना रहा था रब दा कुरान, जरूर गौर करो, फरमांदे ने अल्लाह पाक कौन बंदे नेक ने अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अस-साइहून। जड़े रोजे रखने वाले ने तौबा करने वाले ने नेकियां करने वाले ने, दूजे मुकाम ते कुरान की आंदा है इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती वल मुमिनीना वल मुमिनाती वल कानितीना वल कानिताती। अल्लाह जल्ला तोहा अतोहा तोहा जे तोहा रब दा कुरान, जे रब दा कुरान इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती वल मुमिनीना वल मुमिनाती वल कानितीना वल तमाम अकाबिर जय्यद उलमाए अहले हदीस शुहदाए अहले हदीस की तकारीर और बयानात का वाहिद चैनल दावते कुरान व हदीस प्रोपराइटर मोहम्मद
असगर यजदानी, रबता नंबर 0345711596। रोजे रखन वाले मर्द, रोजे रखन वालियां औरतां, क्या क्या अमल है? क्यों भी सारी उठना सौखा है? बोलो, दो मिनट की बात है। सारी उठना सौखा है? मुश्किल है ना, आखिर मुश्किल अमल है। इसे वाकई लफमौनी ने बिल असवारी हम यस्तगफिरून, इन्हां लोगों के की कहने जिहड़े सारी वाले उठ के चीखा मार के मैनू मनाउंदे ने जी। क्या जिंदगी है रोजेदार दी? मैं सदके जावा रोजेदार तो, मैं कुर्बान जावा, मेरा जी करदा है मैनू कोई चंगा रोजेदार मिल जाए, मैं ठंडा पावा, मैं गल्लां करा प्यार नाल, मैं महबूब दियां बातां सुनावा, मेरा जी करदा है इन रोजेदारां दा दीदार करा जिवें तुहाडा कर रहा। मैं बड़ा खुश नसीब आदमी, अज भाई मेरे सामने सारे रोजेदार बैठे। क्या भाई खुश नसीब आसी मोमिन, तुसीं सारे मेरे वल देख रहे हो, मैं तुहाडे वल देख रहा, दीदार कर रहे हैं रोजेदारां दा। सुभान अल्लाह व बिहमदही, सुभान अल्लाह अज़ीम। ये दीदार हो रहा है मोमिना दा, ये रोजेदार दा दीदार कोई मामूली गल नहीं। ये रात नूं सौंदा ते कुरान सुनदा, सौंदा ते कुरान सुनदा। ये सौण लगी बच्ची आंदी है, नसीबां वालियां बच्चियां, नसीबां वाली बीवी, नसीबां वाले लखते जगर, सारे की आंदे ने कि ध्यान नाल सोया जे रोजा नंग ना जाए। आहा, सुभान अल्लाह, कैसा घर चंगा जिस घर में प्रोग्राम ही सारे बनना पैदा। शामिल ही वक्त वक्त ते उठना, वक्त ते उठना। कि नबी पाक ने फरमाया तस्सा हर रूह, सारी कुछ खा लिया करो, ना तमन्ना हो फिर भी थोड़ा बता पाए कुट पानी भर, क्योंकि फिर सूरी बराका। हजूर फरमाते ने सारिया च बड़िया बरकत ने। सुभान अल्लाह, की बरकत ने? उस वक्त का खाना, कुछ पेट में अंदर गजा हो जाना, अपने कारोबार कर लेना, बरकत नहीं ला बनो रहमत ने। और की मुसीबत पी पहलो सुनो गल, नबी पाक वेले पहलो पहलो सहाबा की कर दे, जरा बंदा रोटी खा खा रोजा अफतार कर तो पहले सौ गए, उन 24 घंटे रोटी खानी नहीं सी जाए। इमाम कायनात से खुदा ने आखिया ना ना, फरमाया युरीदुल्लाह बिकुमुल युसर वला युरीदु बिकुमुल उसर। अल्लाह रहमत करन लगा जे की, अल्लाह फरमाते ने फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफर। मैं अपने बंदियां ते मुशफिका, सुभान अल्लाह, मैं अपने बंदियां ते शफीका। अल्लाह फरमाते ने भाई मेरा बंदा बीमार हो जाए ते रोजा ना रखे, मुसाफिर होवे ते ना रखे। कदों रखे? सारे साथ जो मौका मिले सेहत इजाजत दे उदो रख ले। कुरबान जावा, एक जंग में गए सहाबा, रोजे परेशान हो गए, नबी पाक ने फरमाया कोई गल नहीं, अजे दिन टल गया है, रोजा इफ्तार कर लो, अल्लाह माफ कर देगा। मालूम होया ऐसी मुसीबत आ जाए, बीमारी आ जाए, परेशानी हो जाए, जाना के खतरे हो, रोजा इफ्तार करना? सदके जावा सदके। इमाम कायनात को सहाबी आया, कहंदा सोनिया रतो जो मेरे वाल, मैं मसाल चली बयान करना, सोनिया अज मेरे ना हद हो गई। फिर मैं की हो गया? कहंदा मैं रज के खाना खा लिया भुल के, दोपहरे खान तक जा दी थी ना, है महबूब जी मैं तो रज के खाना खाधा, कि आखिरी बुरकी खाधी है तो मेरा दरों सा। आपने फरमाया कोई गल नहीं, मेरा भुल के खाता उन्हू रब खवांदा है। इतना प्यार, इतनी बात। एक सहाबी हजूर दे कोल आया, गरीब ना सहाबी, कहंदा सोनिया हलक तो मैं हलाक हो गया, तबाह हो गया। फरमाया खैर है, की कर बैठा है? कहंदा सोनिया रोजेदार सा, अपनी बीवी नाल अज़वाजी तल्लुकात कायम कर चुका। फरमाया हल तस्तती, तू ताकत रखना कि तू गुलाम आजाद कर दे? कहंदा नहीं। हल तस्तती, क्या तू ताकत रखना है कि
दो माह दे रोजे रख ले। कहंदा जी नहीं मजा एक रखे आज ताकत नहीं। फरमाया हाँ तस तो तुई क्या तू ताकत रख ले। आसना मेरे पैगम बता दी कि तू सठा बंदिया मुस्कीना नू खाना खिला दे। कहंदा सोनिया नहीं। फरमाया पर बैठ जा बैठा दे कायनात इमामे कायनात रहमत लिल आलमीन दे कोल खजूरों का टुकड़ा भरिया आ गया। फरमांदे ने जोर ला के चुक के ला जा के सठा मुस्कीना नू बन दे। कहंदा सोनिया बड़ा ध्यान मारिया सारे मदीने विच मैं तो वड्डा मुस्कीन ही कोई नहीं। बड़ा ध्यान मारिया है इनू रहमतुल आलमीन कही दे। फज़ाए का नबी हो नबी पाक मुस्कुरा पे। रावी आंदा है आप दे दोवें आदन तिखे जे जहर हो गए मुस्कुरा इन्ना कभी मुस्कुराए नहीं सन। मैनू मिटा मुस्कुराहट आई है पैगंबर की नकल बचे हजूर मुस्कुराए। फरमांदे ने जा फिर चुक ला खांदा जा तो कुफारा पूरा डरदा जा। दुध पिलाने वाली बच्चे नू नबी पाक ने फरमाया मासूम बच्चा जे दुध ना मिले बीमार ना हो जाए कोई गल नहीं दुध पिलाए किसी दूजे मुकाम दे रोज़े रख ले। अगर पेट अंदर बच्चा है इमाम कायनात ने फरमाया इस औरत वास्ते मेहरबानी की थी कि तकलीफ ना उठाए बच्चा कितने कमजोर ना हो जाए उन वास्ते यूरीदुल्लाकमुलसर। अगर कोई बुढ़ा इंतहाई बुरा औरत मर्द रोजा रखन दे काबिल ही नहीं जी तो अल्लाह पाक ने फरमाया है कोई गल नहीं कि मोमन दुआ भी करता है कि एक मोमन दुआ करता हूं कि अजागो सुनो रब्बना वला तुहम्मिल रब्बना ला तहम्मिल अलैना इसरन कमा हमलता अललजीन मिन कबलिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताकत लना भी। अल्लाह ओना बोझ ना पाई जिन्ना असी चुकन जोगे नहीं। अल्लाह फरमाते ने ना ना मैं ते तेरे ते बड़िया रहमत कर रहा। सुभान अल्लाह भाई सुभान अल्लाह प्यार 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 की गल है। अल्लाह अपने बंदियां ते शफकत करता पिया है। अल्लाह फरमाते ने कोई गल नहीं जे बीमार हो गई है असी परेशानी हो गई है जे बुढ़ा बेचारा बहुत आई उन्हें उम्मीद ही नहीं बीमार ही हो जाए उन्हें बचन की उम्मीद ही नहीं रोजा रखने की उम्मीद ही नहीं तो की करे किसे एक नो रखाई है सवाब नाल ओनू ही मिलता रहेगा सारिया प्रॉब्लम दूर होगी है जी। लेकिन रोजा खुद रखना फमन शहीद मिनकुम शरा फल यसुम। कई खतबार आते हैं कि कई मुकाम दे रात वड्डिया कई मुकाम दे दिन छोटे वड्डे कितने वक्त का फर्क दिनों का फर्क महीनों का फर्क उत्थे रोजा किवें रखिए। अल्लाह ने ज़ाबता पूरा कर दिता फमन शहीद मिनकुम शरा जिन्हों महीना पावे जिथों पावे जेड़े वक्त आवे उदो रोजे रखे। अल्लाह के कुरान ने सारे अजकल इमामे कायनात की कर दे बंद कर दो। अजकल की कर दे सियाबी आंदा ऐसा सदीका फरमाउंदियां ने कि अपनी कमर घुट के बन लेंदे नफल भी पढ़ दे ते खर्च भी बड़ा कर। कई मोमना ने पैसे हुण तक जमा किए ने या अल्लाह रमजान का महीना आ गया तो खर्च करिए है ना कि हुण आ गया खोरे जुमा अगला कदों आना है जिंदगी इन्नी है कि नहीं है। पहला रोजा और आया भी जुमे च रब का घर भी बन दिया कि जिसन यार वह कहना लगे कि कीमत हो मसू पले उस दे जेड़ ना ताले वाला उस दे करम सवले। नसीबों वाले लोग हो अल्लाह ने दिता अगर माल वो घर की खातर मेरे वाल ना सोचो कि मेरे घर की खातर रब के घर की खातर जिन्ना मजमा 10,000 रुपया कोई वड्डी गल नहीं कोई साथी वादा भी कर जे ताकि जिंदगी मौत बीमारी अल्लाह को होंगी है कि फिर भी सवाब मिलता रहेगा वादा भी करे सवाब होना ही है। सारे मिलजुल के
हाँ किसी भैन ने 100 रुपए फराए कारी साहब पहुंच गया। माशाला इस मसीद के खजानची भी इंतजामिया भी कारी भी मैं का गुनागार हाँ सारे ही इन्ने जानदार ने जरा पैसा मिले रब के घर पहुंचाने की कोशिश करते हैं सारे भी मिलजुल के जिन्ना ज्यादा अजय गल नहीं बनी सवाल लुत्फ नहीं आया उठो कर दो चल बैठो ऐ तो बंदा उठो भाई मार मास्टर साहब उठो पढ़ फिर उठो अबाक कर भाई लोगों का उठो माशाला फिर जो माशाला माओ से बहनों थोड़ा शोर सबनों बहुता तो पैसे सबनों घट ते खर्चा तो बड़ा करवाया साढ़े को गैलरी उधर बनाओ कुछ खर्च भी करो इस तरह ना करो देखो बहुत शरीफ जरा कल कल सियालकोट गया वापस भी आ गया जमे नहीं खातर पता ना सजा मिलनी है मैनू सारे मिलजुल के माशाला खर्च करो बच गैर रमजान के खर्च करने में तुम कोई इम्तियाज नहीं होया ये सोचो जिमें अगे कर दो खर्च रुपया रुपया यह उन्हें खर्च कर चंगी नहीं गल दिल खोल के खर्च करो समझो कि रब दे कर भाई देना यह काम असर करना है तथो करवाना इंशाला अंज ना करो भाई मैं हूं बाहर चंदा लिया जावा मैनू लोग तरले करते रहे हर एक बंदा जमा पढ़ाओ रमजान के चार जुमे तो तुहाडी मसीत मुकम्मल मैं बना देना आ गल सुन लो आंदा जुमे चार पढ़ाओ लाहौर साढ़े को मसीत तुहाडी ही बना देना और मैं क्या भरा मैं मसीत वास्ते नहीं फिरदा पिया मैं कुरान सुना मेरे शुरू बया दो दुआ ना करन किते ते तुहाडे कोलों मसीत बननी चाहिए है किसी तरह हाथ लाओ माड़ा मोटा माशाल्लाह ये तरीका बहुत ही गलत इस्तेमाल कर रहे हो कि बिल्कुल अपने थले तो होना या अल्लाह हम की करिए रात को खजूर मोड़ लैनिया ने एक दिन नहीं खजूर पै दे छो अगे बजे अज रात को पानी होगा खोल लिया कोई गल नहीं गुजारा कर लो कहते हैं कि मेरी वालदा वो बीमार ने अल्लाह पाक उन्होंने शफा दे लगने दुआ कर दो अल्लाह पाक हर बीमार शफा दे हर दिन परेशानियां दूर कर दे तेरा बेटा गया सऊदी अरब अल्लाह पाक उन्होंने कामयाब फरमाया किसे कहा कि साढ़े घर में बीमारी बड़ी है खारश की अल्लाह पाक एक खुरक दूर कर दे रहे हैं हाँ चलो कोई गल दुआ है ना दुआ अब ये कि प्यारी बीमारी चंगी बीमारी नहीं है अल्लाह पाक ये भी दूर कर अल्लाह किसे दुआ की है मेरे वास्ते भी तो नाल एक अपील कर रहा है कि मैं बहुत बेरोजगार हाँ तो दुआ करो अल्लाह मैंने कितने कुछ लवा दे तो मेरे घर के हालात ठीक हो जाए ये अल्लाह करे तो इन्हों हाकमां नूं शर्म आ जाए आखो ना एडी ये भी हाकम एडे शर्म होए ने ना कभी आखन गया हूँ बैन तोड़न लगे हैं फिर कहेंगे लोगों को वोट वोट लैके एक बार तमाम अकाबिर जय्यद उलमाए अहले हदीस शुहदाए अहले हदीस की तकारीर और बयानात का वाहिद चैनल दावते कुरानो हदीस प्रोप्राइटर मोहम्मद असगर यजदानी राबता नंबर 03457111596